गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग कोश, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इशिता, गुड मॉर्निंग गगन, गुड मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग दिशा, गुड मॉर्निंग राहुल. वेयर इज मंथन, वेयर इज अमनप्रीत. गुड मॉर्निंग मंथन. वेयर इज वंशिका? वंशिका क्लासेस कैसे नहीं ले रही है? गुड मॉर्निंग, ये कौन सा मॉर्निंग है? चलिए गुड मॉर्निंग. अमनप्रीत गुड मॉर्निंग. वंशिका कहाँ पे थे इतने दिन? क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे हो? चलिए कोई नहीं, आज हम स्टार्ट करते हैं आगे वाला टॉपिक. कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा चल रहा था और उसके अंदर हमने पार्टली इन कैश एंड पार्टली नॉट इन कैश, आई थिंक ये कर लिया था हमने. पार्टली इन कैश एंड पार्टली नॉट इन कैश. विनय गुड मॉर्निंग. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली इन कैश एंड नॉट पार्टली इन कैश. ठीक है, तो ये वाला आई थिंक मैंने आपको टॉपिक बता दिया था, हो गया था ना ये? नहीं हुआ? गगनदीप, संजना तो कह रही है हो गया, यशराज कह रहा है नहीं हुआ. तुम अलग अलग क्लासेज में बैठे हुए थे क्या? गगन कह रही है हो गया, सीमा कह रही है हो गया सर, संजना कह रही है हो गया, ये यशराज, यशराज कहाँ पे, तुम यही थे क्या? कुछ कह रहा है हो गया, बताओ. चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं. नया जो हमारा हेडिंग डाली है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड. यशराज वॉज समवेयर इन पैरेलल यूनिवर्स. चलिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप नया हेडिंग डालिए, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड. रहने दे बेटा, तू तो मत देख, आंखें बंद कर ले तेरी.
चलिए, तो अब हमने आपने सभी ने हेडिंग लिख ली है, मैंने अभी बताया जो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए, मैं काइंड का मतलब पहले आपको समझा देता हूं कि काइंड का मतलब क्या होता है। काइंड का मीन्स ये हो गया कि आप कोई भी नए पार्टनर, यदि कोई गुडविल का अमाउंट अभी तक पैसे में लेकर आ रहा था, पैसे में नहीं लेकर आ रहा था, तो हम उसके करंट अकाउंट से वो पैसा एडजस्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ना तो वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करें और ना ही वो कैश में लेकर आए, तो फिर हम क्या करें? तो काइन का मतलब हो गया एसेट के अंदर लेकर आ जाना, मतलब पैसे के बदले में कोई चीज लेकर आ जाना, कोई एसेट लेकर आ जाना फॉर्म के लिए। जैसे नई फॉर्म को रिक्वायरमेंट है फर्नीचर का, तो उसको कहा गया था 15,000 रुपये लेकर आना। आप 15,000 रुपये की जगह उसने कहा फर्नीचर लेके आ जाएं क्या? तो फॉर्म ने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप पैसा लेकर आते और हम उस पैसे से फर्नीचर खरीदते, तो आप ऐसा करिए सीधा फर्नीचर ही लेकर आ जाओ, ताकि हम आपका ये जो पैसा है वो एज अ कैपिटल हम ट्रीट कर लेंगे आपकी। तो इस तरीके से क्या करना होता है हमें, कोई भी पैसा जो हम लेकर आते हैं कैपिटल का, वो किस कैपिटल का या गुडविल का, वो किस फॉर्म में लेकर आ गए हम? एसेट की फॉर्म में, काइंड की फॉर्म के अंदर। आई बात समझ में? तो हम उसकी एंट्री लिखना स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स स्टार्ट करें, इसके अंदर लिखना पहली एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पहली एंट्री लिखना स्टार्ट करें। एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब यहां पर मेन बात यह है कि एसेट जो आपको दे रखी है, यहां पर यदि एसेट का कोई नाम आता है, जैसे फर्नीचर का नाम आता है, तो आप क्या एंट्री करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यदि आपका बिल्डिंग का नाम आता है, तो एसेट की जगह बिल्डिंग का नाम लिख दीजिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा एसेट लेकर आ जाते हैं कोई भी पार्टनर, जैसे कि फर्नीचर भी साथ में लेकर आ गया और मशीनरी भी साथ में लेकर आ गया और बिल्डिंग भी, तो हम तीनों एसेट को एक साथ लिख देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितनी भी एसेट लेकर आएगा उस एसेट का नाम हम डेबिट में लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। और कभी कभी क्या होता है कि गुडविल का पैसा जो लेकर आते हैं, बहुत बढ़िया पूनम, बहुत बढ़िया, जल्दी आए आप, थोड़ा जल्दी आना चाहिए बेटा पूनम क्लास के अंदर। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं आगे किसकी, एसेट के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, और अगर लाइफ कोई पर्टिकुलर बिजनेस की बात करते हैं हम, कोई बिजनेस है वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस में एंटर होना चाह रहा है, वो बिजनेस अपनी सारी एसेट और लाइबिलिटी जितनी भी है उनको ले हमको दे रहा है, कह रहा है कि मेरा तो ये बिजनेस पूरा का पूरा है, आप ही टेक ओवर कर लीजिए, ठीक है ना, आप बता दीजिए आपको कितना गुडविल देना है, तो उस गुडविल के बदले में मैं मेरा बिजनेस दे देता हूँ। भाई उसको हमने क्या बोला नए पार्टनर को कि आप गुडविल का पैसा लेकर आइए, और उस नए पार्टनर का खुद का अपना एक बिजनेस था, तो उसने क्या कहा कि ऐसा है मैं मेरा बिजनेस ही आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर केवल और केवल एसेट ही रहेगी क्या? नहीं, लाइबिलिटीज भी रहती है,
क्या रहती है, लाइबिलिटीज भी रहती है। तो उस नए पार्टनर की जो एसेट है और जो लाइबिलिटी है, अब वो सारी किसकी हो गई है, वो नई फर्म जो हम बनेगी उसकी हो गई है। तो जब एसेट आई फर्म के अंदर तो एसेट को हमने डेबिट किया, और अगर लाइबिलिटीज के लिए अगर मैं बात करूं, लाइबिलिटीज यदि आ जाती साथ में, तो फिर लाइबिलिटीज को हमें क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता। लाइबिलिटीज को हमें क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, और लगा के लिख रहा हूं मैं, क्या लगाकर, और लगाकर लिख रहा हूं। वो तो केवल एसेट बिजनेस में आई, उसकी एंट्री बता दी मैंने। अब मैं बता रहा हूं एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साथ में आ जाए तो क्या एंट्री करेंगे, वही पहली एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल और टू लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज। बेटा खुश, मैं बोल भी रहा हूं, आप सुनो मेरी आवाज आ रही है ना आपको, तो मैं बोल भी रहा हूं, आप जो मेरी वर्डिंग्स है, वॉइस है, उससे आप उसको सुनिए। मैंने लिखा है एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल और टू लाइबिलिटीज, तो जरूरी नहीं है दिखना ही, मैं बोल रहा हूं उसको भी आप लिख लीजिए। तो देखो, इन दोनों एंट्री में से एक ही एंट्री होगी, ठीक है ना? तो आप चाहो तो इस एंट्री को हटा देना, फर्स्ट वाली एंट्री को, इस वाली को लिख लेना सेकंड वाली को, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं होगी तो केवल एसेट ही लिख लेना, एसेट और लाइबिलिटीज होगी तो दोनों को इस तरीके से लिख लेना। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की एंट्री की। जैसे कि हमने फर्स्ट ही फर्स्ट क्या बताया था आपको, जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आता है तो क्या बताया था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और सेकेंड एंट्री बताई थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। दोबारा बोल रहा हूँ सुनिए सारे बच्चे, जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आता है, जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट किस में लेकर आता है, कैश में लेकर आता है, तो फिर उस केस में हमने क्या एंट्री करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जब नया पार्टनर कैश में लेकर आता है। और अभी हम बात कर रहे हैं नया पार्टनर अपनी गुडविल का अमाउंट किस में लेकर आ रहा है, काइंड में लेकर आ रहा है, काइंड मतलब एसेट में लेकर आ रहा है। तो हम एंट्री क्या कर रहे हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और सेकेंड एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसमें सेकंड नंबर की एंट्री आप लिखिए सभी बच्चे, सेकंड नंबर की एंट्री लिखिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और कौन से रेशियो के अंदर, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कौन से रेशियो के अंदर, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बताइए, अब आपने ये दोनों एंट्री लिख ली क्या सभी बच्चों ने? वेरी गुड, अब आप लिखिए नई हेडिंग, लिखिए ये एंट्री। देखो ये जो चैप्टर है
इन सभी एंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको अगर यदि ये एंट्री आती है तो आपको ये चैप्टर भी आ जाएगा, और यदि ये एंट्री नहीं आती तो ये मान के चलो आपके लिए ये चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से आप इन एंट्रीज को करिए और इनको लर्न भी करिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आप इसका पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखिए। कौन सा नंबर का है ये? फिफ्थ नंबर का था ना ये? अब सिक्स्थ नंबर डाल के लिखिए आप। आप बेटा देखिए, मेरे को कौन बताएगा हिडन गुडविल का फॉर्मूला, कौन बताएगा हिडन गुडविल जो है हमने फाइंड करी थी ना? हिडन गुडविल को निकालना हमने सीखा भी था जब हमने गुडविल की वैल्यूएशन करी थी, तो उसके अंदर एक मेथड था हिडन गुडविल मेथड, तो उसका फॉर्मूला कौन बताएगा? मंथन, मंथन बताइए बेटा। वेरी गुड, फिर क्या करते हो आप? मेरे को नहीं पता सर, ऐसा क्यों? आपको क्यों नहीं पता? सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, देखिए अब चाहे वो देख कर दे रहे हैं या कैसे भी दे रहे हैं, लेकिन आपको भी देना चाहिए आंसर। टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ये गगनदीप ने अपना एक अलग से क्रिएट कर लिया फॉर्मूला, ये भी सही है जो इसने लिखा है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, यहाँ पे बेटा संदीप ऑल लगाइए, ऑल पार्टनर, ठीक है? ये भी कुछ ने भी बताया है, बुक नहीं है मेरे पास। तो अब बेटा बुक तो पूरे साल भर ही नहीं मिलेगी तुम्हारे पास में, ये तो गारंटी है मेरी। और ऐसे ही रहना और कुछ मत करना। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके और क्या निकाल लिया था? पूरे फर्म की गुडविल निकाल ली थी, पूरे फर्म की गुडविल निकाल ली थी। अब नया पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है, नया पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है, उसको आप क्या कहोगे कि आप कितनी गुडविल लेकर आई है? जो आपने अभी गुडविल निकाली है इस फॉर्मूले से, उसको नए पार्टनर के शेयर से क्या कर दोगे? इनटू कर दोगे। तो इनटू करते ही आपके नए पार्टनर के शेयर की गुडविल आ जाएगी, और आप उसको कहोगे कि आप गुडविल का पैसा लेकर आ जाइए। तो जो गुडविल का, हिडन गुडविल का पैसा लेकर आया जाता है, वो ना तो काइंड में लेकर आया जाता है ना कैश में लेकर आया जाता है। उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो नॉट इन कैश लेकर आया जा रहा है, जो कि हमने सेकंड के अंदर पढ़ा था, सेकंड वाला जो हमने पढ़ा था ना, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन
कैश, मतलब सेकंड का क्या, थर्ड था आई थिंक। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जो उस पॉइंट के अंदर ट्रीटमेंट किया था वही सेम ट्रीटमेंट यहां पर भी होगा हिडन गुडविल के अंदर। आई बात समझ में? तो वहां पर हमने जो एंट्री करी थी वो क्या करी थी, वो हमने करी थी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दोबारा बोल रहा हूं, जब नए पार्टनर ने कैश में गुडविल नहीं लेकर आई थी वही सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर हिडन गुडविल में भी होगा। तो जब वहां पे क्या एंट्री करी थी हमने, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये लिखा था हमने। ऊपर करंट लिखा था, नीचे कैपिटल लिखा था, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो सेम यही एंट्री आपको यहाँ पर भी लिखनी है, लिख दीजिए ये सेम एंट्री लिख दीजिए इस फॉर्मूले, इस वाली हेडिंग के अंदर जो हिडन गुडविल वाला लिखवा है इसके अंदर सेम एंट्री लिख दीजिए, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है आपको, ठीक है? और नीचे ब्रैकेट में लिख देना इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सभी लिखिए फटाफट। लिख लिया सभी ने? निकिता यस सर, खुश यस सर, गगनदीप डन, पूनम यस सर, सीमा यस सर, वंशिका, इशिता, विनय, दिशा, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने लिख लिया है। तो अब जैसे कि आपको मैं नेक्स्ट जो इसकी और है वो उसको लिखवाते हैं। देखिए ये आपने लिख लिया है, इन सभी एंट्रीज को आगे हम करने वाले हैं, ये सारी एंट्रीज याद होनी चाहिए आपको, ये ध्यान रखिए, ठीक है? अभी मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ माइक ऑन करके, किसी भी स्टूडेंट का माइक ऑन करके, और फिर उससे पूछ सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो आपको याद होनी चाहिए ये, सीमा, वंशिका, इशिता, दिशा, मंथन, अमनप्रीत, गगनदीप, मैं किसी का भी माइक ऑन करवा के और अभी आपसे पूछ सकता हूँ, ध्यान रखिए। तो आप आगे हिडन गुडविल के बाद में आप लिखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है वो लिखिए, व्हेन व्हेन ओनली लिखिए, व्हेन ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज्ड चेंज्ड बिटवीन बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ध्यान दीजिए दोबारा बोल रहा हूं मैं, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब क्या हुआ वो देखिए।
ध्यान से देखिए, जैसे कि ए, बी और सी अपना प्रॉफिट शेयर जो करते थे वो कौन से रेशियो में करते थे? 5:3:2 के अंदर, 5:3:2 के अंदर अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। लेकिन अभी ना तो किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, भाई जैसे डी का एडमिशन भी नहीं हो रहा, ना इन तीनों पार्टनर्स में से किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, और ना ही कोई पार्टनर यहाँ से रिटायर होके जा रहा है। बस ये चाह रहे हैं तीनों के तीनों पार्टनर कि हमारा अभी वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बस तो चेंज हो जाए, तो इन्होंने कहा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, 1:1:1 हो जाए। मतलब तीनों में प्रॉफिट बराबर बराबर बटे, ऐसा नहीं कि ए को ज्यादा मिले और सी को कम मिले, ऐसा नहीं हो। क्या हो कि सभी में, तीनों में जो प्रॉफिट है वो बराबर बराबर बटे। तो इसको बोलते हैं हम, ये तो हो गया ऊपर वाला ओल्ड रेशियो और ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। तो यहाँ पर कोई भी पार्टनर का एडमिशन नहीं हुआ, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट नहीं हुआ, किसी पार्टनर की डेथ नहीं हुई, फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इसको ही हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है क्या? अब हम इसके अंदर जो एंट्री लिख रहे हैं उसको आप एंट्री को लिखना स्टार्ट कीजिए। आपने हेडिंग तो लिख ही ली होगी और उसके अंदर एंट्री लिखना स्टार्ट कीजिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, नीचे जो एंट्री लिखी है इसके नीचे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखिए, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। विनय, विनय विनय, मैं आपका स्पीकर ऑन कर रहा हूं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए एक बार।
वंशिका वंशिका, आपका स्पीकर ऑन कीजिए। विनय का तो नहीं हो रहा है, आप ऑन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। देखिए एक टॉपअप आया होगा। तो आप चलिए कोई नहीं, मुझे ऐसा करिए, आप बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बता दीजिए वंशिका। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताइए। ओल्ड ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए हमने ये सारी चीजें लिख ली है। अब इसका मींस आपने जो हेडिंग लिखा होगा उसमें आपने लिख लिया होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। हाँ बेटा कर सकते हो, चलिए बाद में बताएंगे। अभी आप फटाफट से ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको एंट्रीज मैंने आपको बता दी है। अब उसके अंदर एक और आप नेक्स्ट जो है सिक्स सेवन्थ नंबर का था ना पॉइंट, ये अब एट्थ नंबर का पॉइंट डालकर और लिखिए। एट्थ नंबर का पॉइंट डालिए और लिखिए उसके अंदर हेडिंग व्हेन गुडविल इज, लिखिए व्हेन गुडविल इज, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपियर्ड, When goodwill is already appeared, when
When goodwill is already appeared, in the books, in the books, in the books, books के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, बुक्स के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आगे लिखिए, इसी में ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में इसी के आगे लिखिए बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर लिखिए, बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। दोबारा मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। व्हेन गुडविल इज, लिख लीजिए फटाफट से, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपियर्ड इन द बुक्स, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपियर्ड इन द बुक्स, ब्रैकेट में लिखिए बैलेंस शीट। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में जस्ट उसके आगे से लिखिए बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। ओके, तो अब देखिए बेटा, इसके अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका पहले मतलब समझा देता हूं, इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए, बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर एडमिशन होने से पहले, जैसे कि सी सी के एडमिशन होने से पहले उस बिजनेस को कौन चला रहे थे, ए और बी। अब अभी तक बिजनेस ए और बी चला रहे थे, तो वही उस बिजनेस का प्रॉफिट भी शेयर कर रहे थे, उन्होंने ही कैपिटल लगाई थी, ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ द ईयर जो आप बैलेंस शीट भी बना रहे थे, उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल लिख रहे थे, वहां पर केवल आपको दो ही नाम दिखाई दे रहे थे, ए और बी के, क्योंकि सी अभी तक वहां पर था ही नहीं। तो उस केस में हम ये कह रहे हैं, उसी बैलेंस शीट में, उसी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको यदि गुडविल दिखाई दे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, जैसे कि ये बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, जैसे कि ये कैपिटल दे दी ए और बी की। अभी ये कौन सी बैलेंस शीट है, एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट है, एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट है। और इधर में आपको गुडविल भी दिखाई दे रही है, गुडविल आपको 2 लाख रुपए की दिखाई दे रही है, गुडविल आपको यहाँ पर कितने की दिखाई दे रही है, 2 लाख रुपए की यहाँ पर आपको गुडविल दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए अब उस लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। व्हेन गुडविल इज अपियर्ड, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपियर्ड इन द बुक्स, बुक्स के आगे मैंने क्या बताया था, बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही हो, बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मतलब ये बैलेंस शीट कौन सी है, एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको एसेट साइड में गुडविल शो हो रखी है, एसेट साइड में गुडविल दिखा रखी है। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, वो हमें यहाँ पर सीखना होगा। तो आप सभी बच्चे, आप इसके अंदर ये वाला जो छोटा सा फॉर्मेट बना लेना बैलेंस शीट का, मतलब आपके इसके पास में कहीं पर भी आप बना लेना, और फिर उसके अंदर आप एंट्री लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले बना लीजिए आप।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लिख लिया सभी ने? एंट्री लिख ली क्या? ब्रैकेट में आप नीचे एंट्री के नीचे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ब्रैकेट में आप नीचे लिख लीजिएगा इन ओल्ड रेशियो। तो बेटा आज हमने पूरी की पूरी जितनी भी गुडविल से रिलेटेड हमारी कोई भी जनरल एंट्रीज थी वो सारी जनरल एंट्रीज हमने कर ली है, और अब इसके क्वेश्चन करना बाकी रह गए हैं। तो आपको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है कि आप इन सभी जनरल एंट्रीज को अच्छे से लर्न कर लीजिए और तभी आप आगे के क्वेश्चन भी कर पाओगे। अगर आपने लर्न नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो प्लीज सभी इस जितनी भी आपको मैंने जनरल एंट्री लिखवाई है इन सभी को आपको लर्न करना है, ठीक है? तो कल हम जब मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम आपका क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने का आपको खुद को भी क्वेश्चन करने हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, इस पर आप देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, सेकंड नंबर का करवा दिया था। तो आपको क्या क्या करना है वो देखिए। फर्स्ट नंबर का आपको करना है, जिसने सेकंड नहीं किया उसको सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ। ये जो आपके इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे छोटे छोटे दो दो मिनट के एग्जाम्पल हैं, ये ज्यादा कोई बड़े नहीं है। तो ये जनरल एंट्रीज जो अपन ने करी है इससे रिलेटेड ही है। 12 पॉइंट के एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग। तो इन 12 पॉइंट को आप कर दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में से श्योर है 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो प्लीज इसको आपको लीव नहीं करना है, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। आपको जो नहीं आता क्वेश्चन प्लीज उसको फिर आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? ओके, आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, बाय।